जो मेरी बस है ना वो है 16 घंटे की बस। जी हाँ, मैं जाने लग रहा हूँ वेस्टर्न सहारा। अभी अफसर आया था एक जांच पड़ताल के लिए, एक दो जनों को नीचे ले गया उतार के बस में से। हालांकि यहाँ पे बार बार पुलिस राउंड दे रही है गाड़ी में। अच्छा, उन्होंने अभी तक मेरे को रिकॉर्ड करते नहीं देखा, क्योंकि ना काफी कंट्रोवर्शियल जगह, डिस्प्यूटेड जगह, एकदम सुनसान सी पड़ी है। मेरे अलावा कोई, मेरे को नहीं लगता शहर में कोई टूरिस्ट होगा। मेरे को भी सब यूं देख रहे हैं कौन है। वेस्टर्न सहारा जो है उसको UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लेम करता है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी इन द वर्ल्ड। सुबह ही कुछ देर पानी आता है, उसमें जो नालिया वो नालिया, बाकी दिन शायद काफी समस्या रहती है यहाँ पानी की। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो से आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं हूं फिलहाल मराकेश मोरक्को, और आज की वीडियो में मैं आपको अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की एक ऐसी डिस्प्यूटेड या विवादित टेरिटरी में लेके चलूंगा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलेटेड नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी भी कहा जाता है। ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है और इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले अपन मोरक्को को अच्छे से जान लेते हैं। तो ये जो इलाका है ये है मराकेश का मदीना, यानी कि मराकेश सिटी का ओल्ड टाउन कह सकते हो, या फिर पुराना एरिया सारा यही है। कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे भूकंप आया था, अभी से 3-4 हफ्ते पहले, तो आप देख सकते हो बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हो चुकी है। एक महीना भी नहीं हुआ तो काफ़ी नुकसान पहुँचा ही शहर को भूकंप की वजह से। मोरक्को की कैपिटल सिटी तो है रबात, लेकिन सबसे बड़ी सिटी है कैसाब्लांका। कैसाब्लांका के बाद थैंक यू कैसाब्लांका के बाद है फेस के बाद मराकेश या तांजीर, ये दोनों बराबर सी है। ये देखो कल इधर में बनाना शेक पीना आया था, ये काफ़ी फेमस दुकान है, आज तो इधर भीड़ नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा सामने एक रेस्टोरेंट है, उस पर शोरमा है कुछ खाने के लिए। मोरक्को में ना काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई है, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल और द मम्मी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, और खूब सारी काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है मूवी शूट होने के लिए। और इवन फेमस वर्ल्ड ट्रैवलर इब्न बतूता भी इसी रीजन से थे, मोरक्को वाले रीजन से। इधर चलते अपन ऊपर। ये आ गया खाना मेरा लगभग 40 दिरहम का, मोरक्कन दिरहम। एक मोरक्कन दिरहम में लगभग इंडिया के 8 रुपये होते हैं, तो 40 का ये 10 का ऑरेंज जूस ताज़ा, 50 का आ गया, यानी कि 400 रुपये से थोड़े ज़्यादा का ये खाना है। ये चिकन शोरमा से साथ में कुछ और चीज़ें। खाना खा लिया, अब चलते हैं वापस होटल की तरफ। मैं मेरे बैग्स उठाऊंगा फिर अपने को निकलना है। दरअसल मोरक्को का एरिया है 7,10,000 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड, पॉपुलेशन है 37 मिलियन, यानी कि लगभग 4.25 करोड़ लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोकते हैं मेरे को सड़क पे, सारे शाहरुख खान बॉलीवुड सारे समझ जाते हैं कि भी भारतीय है। दरअसल ना ये एक मोनार्की है मोरक्को, और इनके राजा है मोहम्मद VI, और वो बिलोंग करते हैं अलुआइट डायनेस्टी को। अलुआइट डायनेस्टी दुनिया की सबसे पुरानी डायनेस्टी है आफ्टर द जापानीज डायनेस्टी ऑफ यमाटो, और इनके जो राजा है मोहम्मद VI वो पूरे अफ्रीका के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। अगर इनकी ज्योग्राफी की बात करें तो वेस्ट में मोरक्को सराउंडेड है अटलांटिक ओशन से, और नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी से। ये स्पेन से काफी करीब है और सिर्फ 8 माइल या फिर 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो स्ट्राइट ऑफ जिब्राल्टर है उससे मोरक्को तक का। हालांकि स्ट्राइट ऑफ जिब्राल्टर एक ब्रिटिश टेरिटरी है, लेकिन स्पेन से बहुत ही नजदीक है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत ज्यादा लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है मोरक्को, उसके बारे में आपको बताऊंगा। या ये होटल मेरा रियाद अजरा, इधर मेरे बैग पड़े हैं, बैग उठाते हैं पहले। ये कॉमन एरिया था, वो था कमरा मेरा कोने वाला। चलो भाई चलते हैं अब हम। मोरक्को ना एक मुस्लिम कंट्री है, 99% यहाँ की पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, और मोस्टली सभी सुन्नी मुस्लिम हैं। हालांकि इस्लाम यहाँ पे बाद में आया था, इधर के जो नेटिव लोग हैं उन्हें कहा जाते हैं बर्बर या अमेजिक लोग। आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे होंगे, वो टैटू भी रखती औरतें यहाँ पे मुंह के बीच में, वो यहाँ के नेटिव इंडिजिनस लोग थे, वो यहाँ पे रहते थे। इसलिए हम मोरक्को को एक अरब कंट्री ठीक से नहीं कह सकते, क्योंकि 80% भी जो इनकी अभी पॉपुलेशन है ना वो फुली या पार्शली अमेजिक या बर्बर है, और बची हुई 20% के करीब वो अरब है, 1-1.5% फ्रेंच और स्पेनिश भी होंगे मिक्स। ये है इनका मेन स्क्वायर मदीना का, मतलब मेन स्क्वायर के काफ़ी नज़दीक है। इधर कुछ रेस्टोरेंट्स, मसालों की दुकानें, उधर खूब सारी जूस की दुकानें आपको दिखेंगी। यहाँ पे एक कैफे, इस कैफे बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट भी किया था एक दिन। इधर ना गाड़ी आती नहीं है, सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक ही गाड़ी अलाउड है, तो इस टाइम पैदल चल के मेन स्क्वायर तक जाना होता है। धूप बहुत तिखी है यहाँ पे। इधर की लैंग्वेजेस की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो है इधर की स्टैंडर्ड अरेबिक और अमेजिक या फिर बर्बर लैंग्वेज, लेकिन ना अगर बोलने की बात करें तो ये लोग स्टैंडर्ड अरेबिक नहीं बोलते, दरीजा बोलते हैं, जो कि मोरक्कन अरेबिक भी है, तो इनकी अरेबिक थोड़ी अलग है, उसको डायलेक्ट कह लो या अलग अरेबिक कह लो, लेकिन ऑफिशियल तो इनकी अमेजिक या जो बर्बर लैंग्वेज है वो और स्टैंडर्ड अरेबिक। बोलने में ये लोग या तो फ्रेंच, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, और हालांकि फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो इनकी वर्किंग लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है या लैंग्वेज ऑफ द इलीट है, वो फ्रेंच ही है।
बैंक्स वगैरह में कहीं भी जाओगे तो फ्रेंच में लिखा होगा, रिसीट्स वगैरह सारी चीज़, रोड साइंस भी अरेबिक और फ्रेंच में मिलेंगे, और बिजनेसेस भी ज़्यादातर फ्रेंच में ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा अमेजिक या बर्बर लैंग्वेज के अलग अलग डायलैक्ट्स बोले जाते हैं, और नॉर्थ के कुछ रीजन्स में स्पेनिश भी बोली जाती है, तो लिंग्विस्टिकली बहुत डाइवर्स है मोरक्को। यहाँ पे खूब सारे हॉर्स कैरेजेज वगैरह खड़े हैं मेन स्क्वायर में ही मदीना में। अभी तो दोपहर का टाइम है तो रौनक थोड़ी कम है, टूरिस्ट भी कम दिख रहे हैं। शाम को ना बहुत इधर तरह तरह के गेम्स वगैरह मेला टाइप लग जाते हैं, खाने की स्टॉल्स, खूब सारे लोग भी आ जाते हैं। और आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि भाई ये अरेबिक के साथ साथ फ्रेंच और स्पेनिश कहाँ से आ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मोरक्को एक एंटायरली फ्रेंच कॉलोनी तो नहीं थी, लेकिन एक फ्रेंच प्रोटेक्टरेट थी और एक स्पेनिश प्रोटेक्टरेट भी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रेंच और स्पेनिश कल्चर्स और लैंग्वेज से भी इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा मोरक्को पॉपुलर है अपने आर्गन ऑयल के लिए, और पूरे अफ्रीका का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश भी मोरक्को ही है, और साथ ही साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लीगली प्रोड्यूस्ड हाशीश भी मोरक्को है, और यूरोप के 70% जो इम्पोर्ट्स है हाशीश के वो मोरक्को से ही आते हैं। यहाँ पे आपको खूब सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, काफ़ी तरह के जानवरों की, स्पेशली रेप्टाइल्स की, और यहाँ पे आपको ट्री क्लाइंबिंग गोट्स भी देखने को मिल सकती है मोरक्को में। इसके साथ साथ यहाँ पे मिंट टी जो इनकी चाय होती है उसका बहुत ज़्यादा रिवाज है, कितनी गर्मी और ठंड हो हर वक्त ये लोग चाय ज़रूर पीते हैं। और खाने की बात करें तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से समझ ही होगे स्टोरीज देख के, यहाँ पे तजीन जो कि कोई भी मीट होता है ऐसे एक पहाड़ सा बनाता है, और साथ में उसके वेजिटेबल्स होती है, और खुशखुश ये इनकी मेन डिशेज है मोरक्को की, हर जगह आपको ये दिखेंगी। खुशखुश जो होता है वो बेसिकली सूजी से बने हुए खाने की चीज़ होती है, तो आमतौर पे वो चिकन के साथ हो सकता है या फिर लैम्ब के साथ हो सकता है, तो खुशखुश और तजीन यहाँ पे बहुत खाया जाता है। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आप लोग देख ही चुके होंगे, नहीं देखने लग रहे तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे भी, थोड़ा प्यार दिखा सकते हो परमवीर_बेनीवाल। यहाँ पार्क में मैं बैठ गया था, 2 मिनट का रेस्ट लिया था, और अब चल के ढूंढते हैं अपन टैक्सी बस स्टेशन तक की। यहाँ पे ऊबर वगैरह कुछ नहीं है, और टैक्सी वाले फालतू पैसे लेते ही लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो तय है मीटर से नहीं चलेंगे वो कभी भी, खासकर अगर आप एक फॉरनर हो या टूरिस्ट हो तो हमेशा ओवर चार्ज करेंगे ही करेंगे, किसी भी तरह से बार्गेन करने की पूरी कोशिश करो। चलिए चल के ढूंढते हैं, हालांकि सफ़र तो 10-12 मिनट का ही जिधर मेरे को जाना है, पता नहीं अब कितने पैसे लेंगे। ये आ गया इनका मेन स्क्वायर सा, सामने KFC भी है, कमाल की बात है, उस तरफ टैक्सी खड़ी है या CTM। टैक्सी वाला आते ही मेरे को बोल रहा 70 दिरहम, एक दिरहम में इंडिया के 8 रुपये होते हैं लगभग, तो कितने हो गए 550 रुपये बोल रहा 9 मिनट के रास्ते के। मैंने मना कर दिया साफ साफ, मैं बोला 25 दिरहम दूंगा, पर वो मानना नहीं, तो फिर अब मैं कोई और टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस भी आई है, बाकी बस का मेरे को हिसाब पता नहीं, और टाइम इतना ज़्यादा है नहीं तो टैक्सी ही लेंगे। रोड पार करते उस तरफ खूब सारी टैक्सीज खड़ी है, वैसे तो इनका नंबर लगा होता है सबसे आगे वाला ही पहले चलता है, पर जाके एक बार ट्राई करके देखते हैं कोई कम में मानता है तो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो ऐसी पार करनी है रोड, खैर अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, आदत बहुत हो रखी है। चल चल ओके लेट्स गो भाई। बैठ तो गया मैं, एक में कमीन है भाई, मतलब वैसे तो रेट आप देख लो 9 मिनट का रास्ता है 3 किलोमीटर, और कोई अमीर देश नहीं है, इनकी बेस सैलरी $300 है, यानी कि कितने 20-25 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट इंडिया वाली सैलरी है। पैसे कितने मांगते हैं इन्होंने अलग से कागज़ प्रिंट करा रखे हैं, मेरे को पागल बना रहे हैं, मेरे को तो एक हफ्ता हो गया तो मेरे को पता है। बॉर्डर की भी 50 से कम में तो जाते ही नहीं, मिनिमम रूल है, जबकि रूल तो मीटर से जाने का, और जो लोकल आदमी है वो इधर से उधर जाने के देगा 10 से 15 दिरहम, मेरे से मांग रहे 70-80, फिर मैं अड़ गया 30 पे, तो मेरे को कागज़ पे वो निकाल के दिखा रहे हैं भाई ये देखो, खुद से इन्होंने बना रखा होगा कोई, वो दिखा दिया ये टैरिफ है 50 तो लगेंगे ही लगेंगे। 50 दिरहम कितने हो गए अपने इंडिया के, 450 रुपये हो गए 3 किलोमीटर के, 450 रुपये। अच्छा पेरिस में आ रहा हूँ मैं अब, ये एक और अंकल आए, ये अभी 30 में नहीं माने, 40 में माने, तो ठीक है भाई अब मजबूरी है, फ़ायदा उठा लो। इन बातों पर गुस्सा आता है मेरे को, अगर जायज पैसे मांगो ना तो मैं एक्स्ट्रा भी देता हूँ, हमेशा टिप भी देता हूँ, पर ये फालतू में जो लूटते हैं ना, जो इस चीज़ से नफरत है मेरे को। ये इनका सबसे सुरक्षित इलाका आप कह सकते हो, इधर इनके एक दो ये 5-स्टार होटल टाइप भी है, और इधर हमेशा पुलिस तैनात रहती है। तो अभी मैं बैठूँगा मेरी ज़िंदगी के शायद सबसे लंबे बस के सफ़र में, जो मेरी बस है ना वो है 16 घंटे की बस। जी हाँ मैं जाने लग रहा हूँ वेस्टर्न सहारा, मराकेश से मेरी बस है वेस्टर्न सहारा की कैपिटल लायूने की, और यहाँ से 8 स्टॉप आएंगे रास्ते में, और जगह जगह पुलिस वाले आएंगे चेकिंग करने के लिए, बार बार देखेंगे सारी चीज़ें, मेरे कागजात वगैरह बार बार चेक होंगे रास्ते, मैंने सुना है, और बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैं सो भी पाऊँगा बस में,
और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही विवादित जगह है वेस्टर्न सहारा जो है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, खुल के मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता इधर, क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वेस्टर्न सहारा जो है उसको यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लेम करता है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी इन द वर्ल्ड, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब है कि वहां पे जो लोग रहते हैं उनके हाथ में वहां की गवर्नेंस नहीं है, उधर के लोगों को पूरा हक नहीं है सेल्फ गवर्नेंस का, या फिर जो गवर्नमेंट है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। और लगभग 266,000 किलोमीटर स्क्वायर वेस्टर्न सहारा का एरिया है, पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख है और 40% लोग इनकी कैपिटल सिटी लायोन में ही रहते हैं, और काफ़ी डिस्प्यूटेड है जैसे मैंने बताया। दरअसल पहले तो वो था स्पेनिश के कंट्रोल में और उसे कहा जाता था स्पेनिश सहारा। January 12, 1976 में स्पेनिश यहाँ से चले गए और बोले तुम अपना देखो, फिर उस पे राज करने के लिए आ गए, मोरक्को आ गया, नीचे से मोरिटानिया आ गया और कुछ लोकल फोर्सेज जैसे कि SADR वो आ गए। ये है इनका शायद मेन मॉल मदीना के पास में ही। अभी तो हम थे ओल्ड मराकेश में, हम जाने लग रहे हैं न्यू मराकेश में, गुलिस जिस इलाके का नाम है। काफ़ी जगह रिकन्स्ट्रक्शन होने लग रही है भूकंप की वजह से, काफ़ी चीज़ें क्योंकि तबाह हुई थी तो ठीक होने लग रही है, फिर हो चुकी है, फिर प्रोसेस में है। तो बाद में जब रोड़ा हुआ ना कि भाई ये जगह हम लेंगे टेरिटरी हमारी, तो थोड़े टाइम बाद मोरिटानिया ने बैक ऑफ कर दिया, लेकिन मोरक्को और SADR आज भी उस जगह के लड़ रहे हैं। लेकिन 80% जो इलाका है वेस्टर्न सहारा का वो मोरक्को के कंट्रोल के अंडर ही आता है, और मोस्टली जो भी कोस्ट लाइन है समुद्र किनारे अटलांटिक ओशन के साथ में, और जितने भी और रिसोर्सेज है या फिर ऑयल रिजर्व्स है वो भी सारे मोरक्को के कंट्रोल्ड एरिया में ही आते हैं। लगभग जो इनकी पॉपुलेशन है टोटल वेस्टर्न सहारा की 5.5 लाख, उसकी यूँ मान लो 1/5 पॉपुलेशन जो है वो SADR के कंट्रोल के रीजन के अंडर में रहती है, यानी कि वो मोरक्को वाले रीजन में नहीं है, इनकी सरकार के कंट्रोल वाले रीजन में नहीं है। ये देखो अमेरिका का झंडा, अमेरिका से याद है एक फन फैक्ट बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री पूरी दुनिया में भी मोरक्को ही थी। यहीं पे मेरा बस स्टेशन है और 40 दिरहम देने हैं। ये है नोट, इनका फटा हुआ नोट है मेरे पास, एक 50 दिरहम का ही। परफेक्ट, शुक्रान, थालो बैग। चलो भाई यही होना चाहिए, वैसे तो इनकी 3-4 लोकेशन है, मैं गलत पे ना आ गया हूँ, पर मोस्ट प्रोबेबली यही है। मैं तजीन और कुसकुस की बात कर रहा था ना, ये देखो ऐसे से पॉट में आता है तजीन, इधर रखा दिख गया था, मैं सोचा दिखा दूँ, अब अंदर चलते हैं। जाएगी तो यहीं से बस, ठीक जगह है। मैं देखो इधर भी अरेबिक और फ्रेंच लिख रखी है नीचे, हालांकि फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है पर हर जगह दिखेगी। अगले 16-17 घंटे बस में निकालने हैं, तो मैंने जूते उतार दिए और चप्पल पहन के कम्फर्टेबल हो रहा हूँ, आराम से बस में बैठ जाएंगे। खाने का भी ले लेता हूँ कुछ, पता नहीं भूख लगेगी कुछ रास्ते में, खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपना तैयारी करके चलेंगे। इसमें ले लिया भाई सामान मैंने, एक पानी की बोतल पड़ी, साथ में लस्सी, चॉकलेट्स खूब सारी, और एक एनर्जी ड्रिंक टाइप सी, ताकि बस में कोई भी एमरजेंसी हो तो अपना गुजारा हो जाए। दुकान वाला आदमी बहुत ही स्वीट था, शुक्रिया कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। ये भी सबकी तरह बॉलीवुड का फ़ैन था दुकान वाला, तो अच्छे से ट्रीट करे इसने, बोला बिग वेलकम टू मराकेश। चलो बाकी सामान टोटल आया 120 का, 120 दिरहम, तो इंडिया के 1000 रुपये लगा लो। यहाँ लगी हुई है बाहर सारी बसें, 4:15 की है मेरी बस और अभी 4:10 है, अभी तक नाम तो नहीं लिया इन्होंने, 10 मिनट में जाके बाहर खुद ही पूछ लूँगा। बैग की टिकट अलग से लेनी थी, हालाँकि 430 दिरहम की टिकट थी, मेरे खाते से 3500 कुछ रुपये कटे थे बस की टिकट, 8 दिरहम की बैग की अलग से टिकट लेनी थी, यानी कि इंडिया के 64 रुपये का एक बैग, ये छोटे बैग की नहीं लेनी। तो वो आदमी आया, टीटी था जो, बोला बैग पे टैग लगवा गया, तो मैं जाके जल्दी से फिर लेके आया। आ गई भाई बस फाइनली 4:21 पे, 6 मिनट लेट है, और यहाँ पे रख देते हैं बैग अपन। चलो भाई 29 नंबर है मेरी, कहीं भी बैठ जाओ भाई, सीट नंबर तो मिला नहीं मेरे को, पर मेरी इधर सीट की थी और बस ना आधी खाली थी, आधी बुक थी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, कम ही लोग जाते होंगे यहाँ से, 16 घंटे का सफ़र है भाई, पूरी रात इसमें बितानी है, शाम के 4:23 हो गए अभी, कल सुबह 8 बजे पहुँचूंगा। रास्ते में यहाँ पे चेक पॉइंट्स वगैरह आएंगे जैसे मैंने सुना है, जगह जगह तलाशी होगी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आरामदायक तो होने नहीं वाली है जर्नी बिल्कुल भी। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, आपको दिखाने भी जाए दुनिया और खुद भी जगह घूमने हैं। एग्जैक्टली 4:35 हो गए और बस चल पड़ी फाइनली अब।
शाम के 7:45 बज गए अभी और हल्का सा मतलब बस में थोड़ी सी ठंडक होगी क्योंकि धूप कम होगी और एसी चलने लगे थे, तो जस्ट अभी मैंने जैकेट से ठीक करा, बैग में डाल ली थी ये पहन ली। और बाहर आप रास्ता देख पा रहे हो, एकदम ऐसे वादिया सी है और थोड़ा माउंटेनियस सा, रॉकी सा, डेजर्टेड सा, खूबसूरत रास्ता है पर पूरा रास्ता ही ऐसा है मानो कि रेगिस्तान। और लगभग 7:30-8 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, मतलब अभी से 1.5 घंटे बाद। तो अब मैं थोड़ी देर करता हूँ आराम। ये मैंने बना लिया मेरा बेड, ये नेक पिलो सा था, इसमें हवा भर ली, इधर से रख लूँगा और टांगे ले जाऊँगा सामने वहाँ तक, और अब आराम से इधर थोड़ी देर सोते हैं। अभी तक तो कोई चेक पॉइंट वगैरह आया नहीं, किसी ने अभी तक तो रोका नहीं, पर मेरे ख्याल से वेस्टर्न सारा एंटर करे बाद ज़्यादा पूछताछ और रुकावटें आएंगी। अभी तक तो ये इलाके इतना डिस्प्यूटेड है नहीं, कोई ऐसे खतरे वाली बात थी नहीं। टूरिस्ट कोई उधर आमतौर पर जाता नहीं है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं बस वो उनका ही आना जाना होता है, बस भी आपने देखा ऑलमोस्ट खाली सी पड़ी है, तो ज़रूर वो भी शक के दायरे में तो लेंगे मुझे कि भाई क्या करने आए, किस लिए आए, पर देखें उधर जो होगा आगे होगा। अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। भाई साहब नींद तो क्या नहीं थी यार, इतना खूबसूरत रास्ता है और मैं चाहता तो ना ये 16 घंटे का सफ़र अवॉइड करके डायरेक्टली फ़्लाइट ले सकता था ला यूनिवर्सिटी तक की जिधर मैं जा रहा हूँ, पर मैंने जान करके नहीं ली क्योंकि वजह ये थी कि मैं ना सफ़र देखना चाहता था और इन्जॉय करना चाहता था रास्ता। हालांकि आते ज़्यादा सफ़र अंधेरे का और रास्ता दिखने नहीं वाला था, पर फिर भी मैंने सोचा जितना दिखे उतना ही बहुत है। और अच्छी चीज़ ये है कि भीड़ नहीं है बस में इतनी, तो मैं कम्फर्टेबली थोड़ा रिलैक्स हो गया, बैठ पा रहा हूँ, लेट पा रहा हूँ, तो इतना दुखी भी नहीं होने लग रहा। पर यार बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, एकदम से बिल्कुल ऐसे लग रहा है पता नहीं दुनिया के किस कोने में एकदम आइसोलेटेड सी जगह में मज़ा आने लग गया बहुत। ये आ गया भाई आगातीर, शाम के बजे 7:30 और ये है पहला स्टॉप बस का आगातीर शहर में। ये मेरे ख्याल से आखिरी थोड़ा सा बड़ा शहर होगा रास्ते में, बाकी आने वाले सारी से छोटे ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। चल पड़े एक बार फिर से। रास्ते में इधर ब्रेक लिया भी हुआ है, रात के 10 बजे टाइम, 10:05 है और यहाँ पे मैंने बनवा लिया बनाना शेक। कितने का होगा ये? 10-12 दिरहम का होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं जो भी है। और कोई चीज़ तो मेरे समझ में आई नहीं, यही सही है, दूध और केले थे इस पे। यहाँ पे मेरे ख्याल से 25 मिनट का ब्रेक है, 10:30 चलेगी बस। सवा एक हुआ अभी और अभी अफसर आया था एक जांच पड़ताल के लिए और एक दो जनों को नीचे ले गया उतार के बस में से। मैं तो लेटा हुआ था, मेरे को उठाया और कुछ नहीं कहा, पर आगे चला गया, पता नहीं क्या होता दोबारा आ जाए वापस। तीन हुए सुबह के और दोबारा से अभी आए अफसर बस में और एक आदमी को उसके बैग को साथ में ले गए उठा के तलाशी के लिए। मेरे को देख के कुछ नहीं कहा लेकिन, कुछ नहीं पूछा मेरे से। तो चल पड़े वहाँ से तो अभी, और मेरे ख्याल से तान तान करके कोई शहर है उधर आया हम अभी, इसलिए बाहर कुछ दिख रहा है वरना तो कुछ दिखता ही नहीं, पूरा रेगिस्तान है, ना कोई लाइट होती ना कुछ, फाइनली कुछ दिखने लग रहा है। चलो बाहर भाई सुबह के 7:50 हो गए और 7:50 पे पहुंच जानी थी वैसे तो बस, पर अभी बच रहा है 30-40 मिनट का रास्ता और बच रहा है, तो थोड़ी देर सो पाया, बार बार बस रुक रही थी, तलाशी हो रही थी बीच में, पर लकीली मेरी अभी तक एक भी बार तलाशी नहीं हुई। बस रुकती है कोई ना कोई आता है अंदर तलाशी लेने के लिए पुलिस से, और मेरी नहीं ली किसी ने अभी तक, क्या पता उतरे बाद हो कोई इंटरोगेशन है कुछ तो पता नहीं। बाकी बिल्कुल ऐसे डेजर्ट है साथ में, खूबसूरत सफ़र है और अब थोड़ा चांदना हो गया तो दिख रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है पता नहीं किस कोने में हूँ दुनिया के, पूरा सफ़र ही मतलब ऐसे रेगिस्तान के बीचों बीच।
बीच बीच में कोई डाउन आता था तो ठीक है, वरना फिर वही रेगिस्तान शुरू। दोस्तों आप इस रेगिस्तान में पानी देख के चौंक गए होंगे, दरअसल ये यहाँ पे एक नदी है सागिया एल हमरा, और ये पानी की प्रेजेंस एक बड़ा रीज़न था कि इसको मेन सेंटर बनाया गया था वेस्टर्न सहारा का लायूने को। इवन जो वर्ड है लायून उसका अरेबिक में मतलब होता है वाटर सोर्सेस। बस अब किसी वक्त रुक सकती है बस हमारी। लायून थोड़ी देर में अभी कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा खतरा है, एकदम पहले सिचुएशन देख लूँ ठीक है, उसके बाद कैमरा निकालता हूँ फिर आपको बताता हूँ। उतरता हूँ एक बार, सामान उतारता हूँ। ये रहा भाई बैग अपना। भाई यहाँ पे बस स्टैंड पे बैठा हूँ मैं, और मोस्टली काले लोग ही बैठे हैं सारे, बाहर निकला नहीं। मैं मक्खियाँ इतनी है, परेशान कर रखा है। कुछ लोग सोने लग रहे थे, उन्हें सिक्योरिटी वाले और उठा दिया, लेट नहीं दे रहे, मतलब बैठे रहो सारे, चलता ही हूँ। मैं निकल गया भाई बाहर बस स्टैंड के, ये रहा पीछे बस स्टैंड, और पैदल चलना शुरू कर दिया मैंने। वो देखो पुलिस की गाड़ी जस्ट अभी पेट्रोलिंग से गुजरती थी। स्वागत है भाइयों वेस्टर्न सहारा की सबसे बड़ी सिटी लायूने में। लायूने का एरिया है 250 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की सैर है जो मैंने होटल बुक कराया उस तक की। होटल का चेक इन टाइम 12 बजे 1 बजे के बाद है, लेकिन सुबह 8 बजे मैं यहाँ पे आ गया था, तो टैक्सी लेना मैंने ठीक नहीं समझा। सोचा एक तो टैक्सी में तभी पहुँच जाऊँगा, मज़ा नहीं आएगा, पैदल चल के जाता हूँ, सैर भी हो जाएगी, सैर भी दिखता रहेगा इस बहाने, और टाइम भी पास हो जाएगा ज़्यादा। लगभग 1.5 घंटे की वॉक है इन बैग्स के साथ, चलते हैं शहर घूमते घूमते। हालाँकि सोया नहीं मैं, थका हुआ हूँ काफ़ी, नींद पूरी नहीं हुई, पर कोई नहीं, सो तो दिन में लेंगे आराम से। लायून सिटी दरअसल 1938 में एक स्पेनिश कैप्टन एंटोनियो दे ओरो ने ढूंढी थी, और ये सिर्फ एक मिलिट्री चेक पोस्ट था बेसिकली। लेकिन बहुत ही जल्दी ये जगह जो स्पेनिश सहारा था पहले, जैसे मैंने बताया स्पेनिश के कंट्रोल में था वेस्टर्न सहारा, उनकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर बन गई ये सिटी, और फिर लायून स्पेनिश सहारा की कैपिटल भी बन गई। कारण यही था कि एक तो पानी की अवेलेबिलिटी जैसे मैंने बताया एल हमरा रिवर, और दूसरी चीज़ इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलिट्री बेस के लिए। हाँ छोटू, 1975 और 76 में जब स्पेनिश यहाँ से गए थे ना, तो तुरंत ही लायून मोरक्को के कंट्रोल में आ गया था, और यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उन्हें सहराबीज बोलते हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पे अब मोरक्को के लोग हैं। और जो लोकल भी यहाँ की इंडिजिनस नेटिव पॉपुलेशन थी सहराबीज की, उन्होंने भी अपना नोमैडिक लाइफस्टाइल, डेजर्ट वाला लाइफस्टाइल गिव अप कर दिया, वो इस शहर में जो रहने लग रहे हैं उन्होंने स्पेशली। हालांकि स्पेनिश के जाए तुरंत बाद ही मोरिटानिया मोरक्को और SADR यानी कि पोलिसारियो फोर्सेज वेस्टर्न सहारा कंट्रोल के लिए लड़ रही थी, लेकिन लायून के लिए इतनी मारामारी नहीं हुई, ये आराम से मोरक्को के कंट्रोल में ही रहा फर्मली, और बाद में मोरिटानिया ने गिव अप भी कर दिया था। तो अब 80% एरिया मोरक्को के पास ही है वेस्टर्न सहारा का। ये देखो भाई ये है कुछ नज़ारे, एकदम सुनसान सी पड़ी है, मेरे अलावा कोई, मेरे को नहीं लगता ही शहर में कोई टूरिस्ट होगा मेरे को भी सभी यूँ देख रहे हैं कौन है किस लिए आया है। 1970 के बाद से ही मोरक्को की सरकार ने लायून में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, रोड्स बनवाई है, स्कूल बनवाए हैं, बहुत सारी हाउसिंग और स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बनवाई है। इनफैक्ट जो पोलिसारियो फोर्सेज है फिर SADR है, उसके और मोरक्को सरकार के बीच में जो टॉक्स होती है, फिर जो भी बातचीत होती है, इवन यूनाइटेड नेशंस UN भी जो करवाता है, वो इधर ही होती है लायून में। हालांकि स्पेनिश को यहाँ से गई इतने साल हो गए, पर अभी भी यहाँ पे एक स्पेनिश इंटरनेशनल स्कूल है जिसे स्पेन की सरकार ओन करती है। ये तो कोई ऑफिस था मेरे पीछे, और इधर भी एक आधे कुछ कारखाने से है, पर अभी सुबह का टाइम है तो सब बंद पड़ा है। ये इधर एक स्कूल है, बच्चों की प्रेयर गाने की आवाज़ आ रही है उल्टे हाथ को। हमारी बस इधर से ही आई थी यार, पहले ही उतर जाता, नहीं पर फिर शहर कैसे घूमता। ठीक है चलो, ये घर की शेप देखो भाई कैसे, मतलब कर्व सा बना हुआ ऊपर छत पे, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये
बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए या फिर उधर कोई कुंड बना हुआ है या क्या है पता नहीं। इधर ही ये एक किराने की दुकान है जिसपे मेरे ख्याल से सारा ही सामान दिख रहा है मेरे को तो। पर कमाल है यार उम्मीद, ये देखो एक आई टेन गाड़ी, मतलब इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने, मेरे को रेगिस्तान के बीच में इतनी सारी चीजें दिख जाएंगी और मुझे लग रहा है अभी तो और भी चीजें दिखेंगी जो सरप्राइज करेगी मुझे। मतलब काफी अच्छा मिक्स है ये जो टाउन है ना, एकदम ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफस्टाइल प्लस थोड़ा सा मॉडर्न भी। ये कोई पैसे वाले हैं शायद, इन्होंने अपनी अंदर से गाड़ी निकाली, महंगी सी लग रही है गाड़ी इधर के हिसाब से। रेड लाइट भी है भाई यहाँ पे तो, एक और भी कहीं होगी तो पता नहीं, पर ये काफ़ी बड़ा सा मेरे को स्क्वायर सा दिखा, बीच में एक पार्क सा है इधर रेड लाइट वगैरह, पर क्रॉस वॉक नहीं है। कुछ बालक स्कूल जा रहे हैं ये, अरे बाप रे, इस शहर में कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स भी है। ये देखो इसके पीछे शायद एक मस्जिद है। मेरे को बाकी हैरानी हो रही है कि मेरी कहीं भी इंटेरोगेशन नहीं हुई, मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मुझे पुलिस बिठाएगी कि भाई यहाँ क्या करने आया, हालांकि यहाँ पे बार बार पुलिस राउंड दे रही है गाड़ी में। अच्छा उन्होंने अभी तक मेरे को रिकॉर्ड करते नहीं देखा, क्योंकि ना काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जगह, डिस्प्यूटेड जगह, क्योंकि मोरक्को की सरकार भी यहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि बाहर से कोई भी दखल अंदाजी हो, कोई बाहर का एजेंट या स्पाई यहाँ पे आए, इसलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। ये देखो एक और गाड़ी जाते हुए पुलिस की, वो जा रही यहाँ पे कुछ मनी ट्रांसफर वगैरह के दफ्तर है, एक दो पीछे भी दिख गया मेरे को इस तरह के, यहाँ मनी ट्रांसफर के काफ़ी हुए है। ये देखो ये एक स्कूल की वैन है जिसपे फ्रेंच में लिखा हुआ है और अरबी में लिखा हुआ है। ये कुछ टैक्सीज यहाँ की, कॉफ़ी और चाय की दुकानें दिख रही है सुबह सुबह तो सारी। एक और ये DHL भी आ गया यहाँ पे, कमाल है, मतलब इंटरनेशनल कुरियर वगैरह भी भेज सकते हैं इस शहर से पैसों के साथ साथ। ये शहर वैसे बसाया तो इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे पानी था, लेकिन पानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत पानी था, बाकी सारा इलाका रेगिस्तान है तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पानी था, फिर भी यहाँ पे मैंने सुना है कि पानी की काफ़ी कमी है, मतलब शायद सुबह ही कुछ देर पानी आता है, उसमें जो नहा लिया वो नहा लिया या जिसने इकट्ठा कर लिया वो कर लिया, बाकी दिन शायद काफ़ी समस्या रहती है यहाँ पानी की। बाकी अपन चल के देखेंगे, मज़ा आ रहा है लेकिन मेरे को ऐसे ना सुबह सुबह सैर करने में, मीठी मीठी धूप लग रही है, मज़ा आ रहा है। ये एक इनका होटल है जो इनके अच्छे होटल्स में से एक है शायद, जो मैंने कराया वो भी अच्छा होटल है शायद, एक दो यही अच्छे होटल है इधर। कुछ और मनी ट्रांसफर यहाँ पे, लोगों के घर सारे बाहर के पैसे से ही चल रहे क्या। एक और सहारा का मतलब होता है रेगिस्तान, और सहारा डेजर्ट भी नाम है अफ्रीका की इस रेगिस्तान का, तो मोस्टली सभी दुकानों के नाम ना बिजनेसेस के नाम सहारा से शुरू होते हैं, सहारा कैफे, सहारा कुछ, सहारा ये, सहारा वो। अभी यहाँ पे सामने ये इनका एक बैंक आ गया, और बैंक के आगे उधर आप देख पा रहे होगे पता नहीं इधर से मैकडोनल्ड्स है। मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है कि भी ऐसी जगह आके भी मैं मैकडोनल्ड्स में जाने लग रहा हूँ, लोकल किसी कैफे पर बैठ के चाय वाय नहीं पी रहा, कुछ नहीं खा रहा, बहुत शर्मनाक बात है, पर क्या करे, मेरे होटल का चेक इन है अभी से 2-3 घंटे बाद, और मैकडोनल्ड्स में ये भरोसा है कि भी बाथरूम मिल जाएगा साफ़ सुथरा, तो एक बार जाके हाथ मुँह धो लूँ और बैठ सकता हूँ इसी के अंदर, सिर्फ यही कारण है। इस तरफ कुछ लोकल कैफेज़ वगैरह, राइट में मेरे मैकडोनल्ड्स, और सामने देखो मोरक्को का कितना बड़ा झंडा लगा रखा है ये दिखाने के लिए कि भैया मोरक्को का पार्ट है। 10 बजे खुलना था मैकडोनल्ड्स, पता नहीं अभी खुला है नहीं खुला, खुला है भाई, और मैकडोनल्ड्स के अंदर भी अरबी गाने बज रहे हैं, शायद से प्रेयर बज रही है, पता नहीं क्या बज रहा है, ये तो मेरे को आइडिया नहीं। साफ सफाई चल रही थी और उधर बोले कि आज वो खुल गया। यार ये लेडीज लगी हुई है तब से एक एक चीज चमकाने में, सारे शीशे वगैरह मैकडोनल्ड्स की इन्होंने एकदम ऐसे चमकाने लग रहे हैं, कहीं भी कुछ वो ना दिख जाए। बाथरूम भी काफ़ी सही ठहरी इनका, साफ सुथरा था। मैकडोनल्ड्स पे तो भाई यही डंगा मिलेगा, एक मैंने चिकन रैप सा लिया है और कोल्ड ड्रिंक की जगह इन पे कोई ऑरेंज जूस था, पता नहीं ये ताज़ा है या पैक्ड है, कोल्ड ड्रिंक तो मेरे को पसंद नहीं है, पीता नहीं मैं, तो मैंने एक ऑरेंज जूस ले लिया, साथ में इसके फ्राइज आए। अब पेट भरने के लिए यही खाना पड़ेगा, इतनी देरी इनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करी है तो कुछ ऑर्डर तो करना था ही, पर वैसे लोग अच्छे हैं, काउंटर वाले बंदे ने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी, यहीं पर मेरा ऑर्डर दे गया, और मैं बोला कि भी कैचअप भी खरीदनी है, मेरे को तो खुद से बोला नहीं 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 रुको मैं लाता हूँ, फ्री में देगा।
चाहिए। चला जाए अब। मैकडॉनल्ड्स में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद अब बज गया दोपहर के 12:10 बजे में आया था, और उम्मीद करता हूँ अब होटल में जाके मुझे शायद वो चेक इन करने देंगे। जो मेरा मील था उसकी कीमत आई थी 650 मोरक्कन दिरहम, तो मेरे कार्ड से शायद कटे थे 510-15 रुपये कुछ थे, जिसमें पेट सा मेरा भर गया। और चलते अब। मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल भारी एक स्क्वायर है जिस पे खूबसूरत झरना है। धूप पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि तब तो 10 बजे थे, 12 बज गए, तिखी धूप होगी। हाथ मुँह मैंने धो लिया था बाथरूम में, वैसे पसीने वगैरह सूख गए थे यहाँ बैठे बैठे। अब मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का और सफ़र है यहाँ से होटल का पैदल। पहले बिल्कुल ही खाली था, 2 घंटे पहले लोग बाकी इतने दिख नहीं रहे थे, अब एकदम से थोड़ी भीड़ सी भी होगी कह सकते हैं। कितना सुंदर एटीएम है यार, देखना, काफ़ी सुंदर है। ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो लेडी ने जो पहन रखी है, ये कुछ अपने इंडिया के जो सूट होते हैं उस जैसी होती है। मेरे ख्याल से आ गया सामने, वही होगा होटल। वैसे तो 2 बजे का चेक इन टाइम, देखते हैं, इंतज़ार करवाएंगे, दे देंगे। ये देखो आदमी बाहर बैठे है, टिपिकल अरब कंट्रीज वाला माहौल। और वो जो आगे दिख रही है वो बिल्डिंग, वो होटल है, ये रहा सहारिनो। चलो 12:15 हुए भाई, पर ये बोले 2 घंटे इंतज़ार करो, 2 बजे ही चेक इन कर पाओगे। एक और नई चीज़ कि ना 21 दिरहम टैक्स लगाया यहाँ पे, टूरिस्ट टैक्स। और मैंने पूछा कि भी एक बार देना होता है, रोज़, बोले कि हर रोज़ देना होता है। तो जितने का मैंने कमरा करा, शायद 1700 रुपये का कमरा था, उसके अलावा 21 दिरहम यानी कि 1700 के करीब रुपए और हो गए, नहीं 170 रुपये, सॉरी, उतना रोज़ का टैक्स यहाँ पे वेस्टर्न सहारा में एक दिन का। शुक्रान। ये भाई मैंने मंगा ली चाय यहाँ पे एक कैफे से पे आगे, क्योंकि वो 2 बजे का चेक इन था और मैंने एक रात और ले ली, 2 रात करा ली एक ही जगह। मुझे तो 3 देर बोर होएंगे, तो इनकी सारा भी टी बोलते ही नहीं आता है शायद, चाय का नाम होता है। भाई ये ना चिन्नी को लेके बहुत ज़्यादा जनरस है, मोरक्को के लिए बहुत चिन्नी पीता है। ये मिंट है भाई, इसमें शायद पहले डालनी है, फिर हिला के शायद उसमें डालनी है। इतनी कड़वी निकली है चाय, पी नहीं ही मेरे से तो। मैंने मराकेश में पी थी मोरक्कन टी इतनी बारी, ये पता नहीं क्या एकदम कड़वी, घटिया, बकवास, या तो इन्होंने मेरे को गलत दे दिए या मेरे को पीनी नहीं आई। भाई मैंने उसे आधी वेटर को बुला के समझाया ट्रांसलेट से अरबी में, एक तो ये स्टैंडर्ड अरबी की भी तो नहीं बोलते, या ये अरबी कल है वो गूगल ट्रांसलेट पे है, उठती भी नहीं। मैंने समझाया किसी तरह से, माँ ये कड़वी है, फिर वो अपनी अरबी में जवाब देने लग गया, कोई बातचीत हो ही नहीं पाई। अब वो ले गया पता नहीं, अब वो लिप्टन वाली चाय ले गया या ये दूसरी लाएगा पता नहीं, पसीने छूट गए समझाने के चक्कर में। भाई अब दे गया दूसरी। फिर मैंने इसे पूछा, भाई स्पेनिश आती है क्या, इंग्लिश तो नहीं आती तुझे, मुझे अरेबिक नहीं आती बिल्कुल भी। तो बोला भाई नहीं आती इसे, क्योंकि इधर बोलते हैं कुछ रीजन में स्पेनिश भी। तो मैंने सोचा क्या बताती हूँ, अब ये दे गया मेरे को लिप्टन वाली चाय, गरीबों वाली। मैं तो चाय पीने ही इसलिए आया था भाई, अरेबिक चाय पियेंगे ही नहीं। वो कुछ गड़बड़ थी यार पिछले में, इतनी कड़वी नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ही कड़वी, या वो मेरे को पीनी नहीं आई ठीक से। ये लाते एक तो बहुत ज़्यादा बार, वो मैंने लाए नहीं, ये पता नहीं क्या। ओके थैंक यू, अलग से मिंट दे गया मेरे को। चलो भाई ये पीते हैं अब। चाय मैंने पी ली थी और मेरा बिल आया 12 दिरहम, यानी कि इंडिया के 100 रुपये से भी कम, 96-97 रुपये। और पता नहीं उसने दोनों चाय के पैसे लिए थे या नहीं लिए थे, साथ में एक छोटी पानी की बोतल थी और एक चाय की केतली में 3 गिलास चाय थी, उसमें छोटे वाले 3 गिलास। अगर दोनों के लिए थे तो हद से ज़्यादा सस्ता है, और अगर उसने एक ही पैसे लिए तो भी सस्ता है यार। 100 रुपये से कम में मैं 1 घंटा यहाँ बैठ लिया, और अभी 1:45 हुए, 15 मिनट में मेरा चेक इन का टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा इतनी देर में पानी की बोतल और ले आऊँ बड़ी, क्योंकि पानी मेरे पास और है नहीं, और होटल में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सामने एक पता नहीं दुकान सी लग तो रही, इधर देखते मिलती है तो पानी की बोतल। उधर तो नहीं था यार कोई ऐसी दुकान, इस तरफ होटल के पीछे ही एक गूगल पे दिखा रहा है, चल के देखते हैं। ये इनकी पब्लिक बस है शायद, मॉडर्न सी लग रही है बस तो यार। ये इनकी एयरलाइन रॉयल एयर मारोक का दफ्तर है, साथ में कुछ और कैश वैश की दुकानें, उधर सामने एक मार्केट है।
ये ले ली भाई मैंने दो बड़ी पानी की बोतल और साथ में आधा लीटर दूध, यही पैकिंग थी दूध की, एक लीटर की मिली नहीं। और ये आया मेरा 17 दिरहम यानी कि इंडिया के 150 रुपये करीब। पानी यहाँ पे मेरे ख्याल से महंगा आता है क्योंकि सारा बाहर से आता है ना, तो पर फिर भी मराकेश से तो सस्ता है यार, जो मैंने नोट करा ये शहर। ये देखो ये अभी अभी यूएन की गाड़ी गई थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से यूएन का भी कोई ऑफिस या बेस वगैरह होगा, डिस्प्यूटेड एरिया ना। क्योंकि भाई 2:17 पे तो इन्होंने चाबी दी, इतनी देर बाट दिखाई, अब ये चाबी काम नहीं कर रही। 207 नंबर कमरा है, वो दोबारा रिसेप्शन पे जाओ। दुखी कर दिया भाई इन्हें भी, अब जाके खुला है दोबारा चाबी रिचार्ज करी। ये है भाई कमरा, इतना बड़ा बेड दे दिए 3, इंडिया की क्रिकेट टीम सुवानी है अबे। चलो कोई नहीं भाई, परेशान हो गया आज तो। सुबह 8 पहुंच गया था और अभी 2:30, कितने 6.5 घंटे हो गए ना बिना नींद के था। बस मैं 1.5 घंटा सोया हुआ तो 1.5 घंटा भी नहीं सोया हुआ, वही कच्ची नींद थी। अरे चुप हो जा, पी पी के खा दे तेरे बोली त्रेड। तो भाई अब करता हूँ मैं आराम, लोग बाकी ठीक थे बाहर, जिस तरह मैं गया ना कैफे वगैरह में और उसमें किराने की दुकान पे गया था, पता नहीं यार ये लोग समझ जा रहे कि भी मैं इंडियन हूँ। आमतौर पे अरब कंट्रीज में होता नहीं, मेरे को लोकल ही समझते हैं, इतना तो मैं काला भी नहीं, इधर वाले लोग भी ऐसे ही है मेरे जैसे ही रंग है, बल्कि कई तो बिल्कुल ही अफ्रीकन है यहाँ पे, पर समझ जा रहे। दुकान वाले ही बोला वेलकम टू मोरक्को इंडियन, समझ गया वो भी। चलो भाई ये वीडियो करते हैं अपन ख़त्म, और काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, आराम की सख्त ज़रूरत है मेरे को, सोऊँ अब थोड़ी देर, उठ के कहीं घूमने चले जाऊँगा या जिम में चला जाऊँगा, इधर कुछ इस तरह का करेंगे। अगली वीडियो में आपको शहर दिखाएंगे, फिर इससे हम आगे सफ़र करेंगे दखला जो कि एक और टाउन है, उधर जाएंगे मोरिटानिया देश की बॉर्डर के पास, और उसके बाद अपन एंटर करेंगे मोरिटानिया देश में, एक नई कंट्री में। लेकिन उससे पहले अभी अपने को 2-4 दिन लगेंगे, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइव अपडेट्स के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, स्टोरीज देख सकते हो और मैसेजेस कर सकते हो, हालांकि सारे पढ़ तो नहीं पाता मैं आजकल, पर फिर भी नज़र मार लेता हूँ जैसे टाइम लगता है। ठीक है, चलो गुड बाय।